जय हिंद, गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल हु आर प्रेजेंट ओवर हियर। माय वॉइस इज क्लियर? और स्क्रीन इज विजिबल और नॉट? सो लेट्स स्टार्ट द टुडे सेशन। सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन जय हिंद, वेलकम टू मैनेवर एजुकेशन। सो टुडे वी विल डिस्कस द इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स फ्रॉम द 20 February 2022 फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर। सो बिफोर वी गोइंग टू स्टार्ट, आई वांट टू डिस्कस दैट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द लो एंट्रेंस MBA एंट्रेंस TIS एग्जामिनेशन गवर्नमेंट बैंक एग्जामिनेशन एंड इफ यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर BBA एंट्रेंस होटल मैनेजमेंट एंट्रेंस BEd एंट्रेंस और CGL एंट्रेंस, सो डोंट वरी, मैनेवर एजुकेशन इज हियर। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर दिस काइंड ऑफ द कोर्सेज, सो गूगल form link is available in the description over here, so you can fill the form very easily as per your requirement and our counseling team will contact you and will guide you. If you are a new family member of the Maneuver Education, so please subscribe our channel in the YouTube. We have also social media platform where you can get the regular updates. If you are joining the online and live classroom coaching, so just contact on 8828581455. And if you are looking for classroom coaching at the Mumbai, so we have 3 centers, Borivali, Vasai and the Dadar. So you can visit our center also, and you can also visit our website, which is called the maneveredu.com. Okay, so let's start with the first slide. So today, today we will discuss firstly, jo hum logon ne kal questions puche the, theek hai? So Saloni ji, okay. श्रद्धा गुप्ता, ओके अभय, गुड मॉर्निंग, जय हिंद वन एंड ऑल वंस अगेन हु आर प्रेजेंट ओवर हियर। कल मैंने एक चीज़ पूछी थी आप लोगों को कि कामाख्या टेम्पल कहाँ पर सिचुएटेड है और श्रीशैलम टेम्पल कहाँ पर सिचुएटेड है, कोणार्क सन टेम्पल कहाँ पर आया हुआ है, ठीक है? तो उसके बारे में अगर मैं बात करूँ, सो कामाख्या टेम्पल असम के अंदर है, ठीक है? लुफी जी गुड मॉर्निंग, वॉइस इज टू लो, एक वन मिनट वेट। Now my voice is clear. Please reply me fast so I can identify clearly. Shaika Naz, good morning. My voice is clear or not? Please reply me fast so I can clearly check out. Voice is low. Wait. Okay, mic testing, my voice is clear now, is it clear? Now my voice is audible or not? Please reply me fast. Okay, so yesterday I asked some question regarding the temples with respect to static GK, okay? तो यहाँ पर static GK के मैंने questions पूछे थे, कामाख्या temple कि कहाँ पर situated है, असम के अंदर, श्रीशैलम जो temple है आंध्र प्रदेश के अंदर, कोणार्क सन temple जो है उड़ीसा के अंदर, and साथ ही साथ मैंने आप लोगों को ये भी पूछा था और बहुत सारे लोगों ने comment section के अंदर answer भी किए थे, exercise of cobra warrior 2022, ठीक है, 2022 का जो एक multinational exercise है, ठीक है, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जो कि मार्च के अंदर होगी, ठीक है, ये किसके बीच में होगी, इंडियन एयरफोर्स एंड दी रॉयल एयरफोर्स के साथ, ठीक है, तो ये चीज आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। एंड दूसरी ओर मैंने पूछा था डेज के बारे में, दैट इज अ सेक्शन ऑफ द इंपॉर्टेंट डेज कैटेगरी, ओके, सो दैट इज अ सेंट्रल एक्साइज डे, कभी ऑब्जर्व किया जाता है या तो कभी मनाया जाता है, सो इट इज अबाउट द 24th February, ओके, तो ये चीज यहां पर याद रखे। और दूसरी ओर हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे, आप लोगों को पता ही रहेगा, रशिया यूक्रेन, ठीक है, तो फिर से यही चीज़ है, रशिया और यूक्रेन में कल आप लोगों ने बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे, बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे, न्यूज़ भी देखे होंगे कि रशिया जो है इन्वेड कर चुका है, इन्वेजन हो चुका है यूक्रेन के अंदर, यहाँ पर उसके रिगार्डिंग बहुत सारे आर्टिकल्स आए हैं, ठीक है, आज के सेंक्शन के अंदर। तो यहां पर जो पहला आर्टिकल है, वर्ल्ड शॉक्ड बाय रशियाज फुल स्केल इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, ठीक है, तो अपने जो मिलिट्री ट्रूप्स है रशिया ने अच्छे तरीके से भेज दिए हैं यूक्रेन को इन्वेड करने के लिए, ठीक है, तो दोस्तों ये सारी चीजें आप लोगों को यहां पर याद रखनी है, यहां पर उसकी आप फोटो भी देख सकते हैं, यहां पर आपको वीडियोज भी मिल सकता है कि जो मिलिट्री ट्रूपर्स होते हैं जो पैराशूट से लैंड करते हैं, काफी हद तक लैंडिंग हुई है रशिया के द्वारा और उसके सोल्जर के द्वारा यूक्रेन के अंदर,
तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहां पर याद रखनी है। पर यहां पर एक इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए दोस्तों, तो रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगने वाले हैं, ये चीज भी यहां पर याद रखिएगा। और दूसरी ओर इंडिया का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, सिंपल चीज़ है, इंडिया के साथ में अगर बात करूँ रशिया यूक्रेन में, तो रशिया ने भी हमारी हेल्प की है, डिफेंस टेक्नोलॉजी हम लोगों ने उससे परचेज की है, और दूसरी ओर हम लोगों ने यूक्रेन से भी डिफेंस टेक्नोलॉजी परचेज की है। पर कई जो मामलों है, कई मामलों के अंदर यूक्रेन ने हमारी मदद नहीं की है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे यूरोपियन कंट्रीज का कहना है कि इंडिया इज दी पावरफुल कंट्री नाउ डेज, ठीक है, ऐसा कहा गया है, जैसे आगे के आर्टिकल में मैं फिर से एक बार यही चीज़ बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे कंट्रीज ने, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज ने कहा है कि जो इंडिया है काफी हद तक पावरफुल कंट्री है, वो व्लादिमीर पुतिन साहब जो रशिया के सुप्रीम लीडर है उससे बात करें और सीज फायर की बात करें, ये आर्टिकल भी आगे आएगा, ठीक है, उसके बारे में फिर से डिस्कस करेंगे। और दूसरी ओर यहाँ पर सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन साहब को कन्विंस किया जाए मोदी साहब के द्वारा, और यहाँ पर उसका जो यूक्रेन के अंदर इन्वेजन है उसको रोका जा सके सीज फायर के द्वारा, ठीक है। तो बहुत सारे आगे देखेंगे सैंक्शंस लगने वाले हैं। यूएसए का भी स्टैंड है दोस्तों कि उसके जो जो बाइडन है उन्होंने भी कहा है कि वी ब्लॉक द रशिया इन विथ respect to any kind of the sectors, ठीक है, हम लोग उसको economic sector के अंदर काफी हद तक उसको sanctions लगाएंगे, और बहुत सारे countries ने वहां पर criticism भी किया है, ठीक है। तो ये चीज आज के article में हम लोग सारी की सारी देखेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। So यहां पर जो पहला article है, पूरी दुनिया shock में है, और उसी की वजह से पूरी दुनिया तो shock में है, पर इंडिया के अंदर भी हम लोग shock मना रहे हैं, क्योंकि share market काफी हद तक गिर चुका है, ठीक है। शेयर मार्केट की बात करें, ऑयल सेक्टर की बात करें, वे जो इंटरनेशनल रिगार्डिंग, जो ट्रेडिंग के रिगार्डिंग जितने सारे सेक्टर्स हैं, वो सारे के सारे डूब चुके हैं, यानी कि उसका जो ग्राफ है वो काफ़ी हद तक डाउन में चला रहा है, ठीक है, ये चीज़ आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। सो यहाँ पर इंडिया को भी दिक्कत हो रहा है, इंडियन सिटीजन्स को भी दिक्कत हो रहा है, ठीक है, एनएससी बीएससी के अंदर। अभी यहाँ पर देखिए, फाइटर फायर फाइटर्स टू ट्राई टू डाउज फायर सेट ऑफ बाय रशियन बॉम्बिंग्स ऑन द ईस्टर्न यूक्रेन टाउन ऑफ चुगिव ऑन वेनसडे, ठीक है। यहाँ पर जो पूरा का पूरा, अगर कल न्यूज़ अगर आप लोगों ने देखी रहेगी तो पता चलेगा कि सबसे पहले एयरबेस उड़ा दिया था रशिया ने यूक्रेन का, ठीक है, और यहाँ पर यूक्रेन के प्रेसिडेंट का जो उसके जेलेंस्की है उसका कहना है ये है कि क्रेमलिन लीडर व्लादिमीर पुतिन्स एम वॉज टू डिस्ट्रॉय हिज स्टेट, ठीक है, वो उसके स्टेट को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं और काफ़ी हद तक यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर भी चुके हैं, ठीक है। एंड यूके रेनियन फॉरेन मिनिस्टर दोमित्रो कुलेबा सेड ऑन द ट्विटर, दिस इज अ वॉर ऑफ अग्रेशन, ये एक अग्रेशन की वॉर है, और यूक्रेन विल डिफेंड इटसेल्फ एंड विल विन, ठीक है। यूक्रेन ने भी ऐसा स्टैंड किया है कि हम लोग अच्छी तरीके से रशिया को आज जवाब देंगे, उसकी भाषा में जवाब देंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग विन भी करेंगे ये वॉर को, या एग्रेशन को हम लोग विन भी करेंगे, ठीक है। सो द वर्ल्ड कैन एंड मस्ट स्टॉप पुतिन, ठीक है, तो पूरी दुनिया जो है पुतिन को रोकने में लगी हुई है, ये चीज भी याद रखें। पर पुतिन का जो सामने एक काउंटर आर्गुमेंट कह सकते हैं कि पुतिन डिफेंस क्या कर रही है, पुतिन आल्सो डिक्लेयर्ड इन द टेलीविजन एड्रेस दैट ही हैड ऑर्डर्ड अ स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, ठीक है, उन्होंने ऐसा कहा है कि दैट इज नॉट अ वन काइंड ऑफ द डेली सी डेज, वॉइस बहुत लो आ रहा है कंपैरिजन, ओके वेट आई आल्सो वांट टू चेक इट, वेट फॉर व्हाइल, now voice is clear, everyone please reply me fast, now my voice is clear, please reply me fast, वॉइस आ रहा है या नहीं, एम आई ऑडिबल, ओके यस, ओके डन,
ओके सो यही चीज़ है कि यहाँ पर पुतिन साहब ने एक काउंटर आर्ग्यूमेंट के दौरान यहाँ पर एक अपना डिफेंस के तौर पर यहाँ पर कहा है कि मिस्टर पुतिन ऑल्सो डिक्लेयर्ड इन द टेलीविजन एड्रेस दैट ही हैड ऑर्डर्ड अ स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, ठीक है, तो टू प्रोटेक्ट द पीपल इंक्लूडिंग द रशियन सिटीजन्स हु हैड बीन सब्जेक्ट टेड टू जीनोसाइड इन यूक्रेन, ठीक है, जो यूक्रेन के अंदर जीनोसाइड के आस्पेक्ट से यहाँ पर जो उसके रशियन सिटीजन है उसको बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक मिलिट्री ऑपरेशन विच इज कॉल्ड स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि पुतिन साहब ने इस तरीके का काउंटर आर्ग्यूमेंट किया है, इज इट क्लियर। सो यहाँ पर पूरा का पूरा जो है यही एक आप लोगों को देखने को मिलेगा और यहाँ पर यही सारी चीज़ें हैं कि रशिया जो है उसको इन्वेड करने की कोशिश कर रहा है हर जगह से, ठीक है, आगे के आर्टिकल में भी हम लोग देखेंगे। दूसरा जो आर्टिकल आता है यहाँ पर, एक आर्टिकल इम्पोर्टेंट भी है, जैसे हम लोगों ने बहुत टाइम से बात करते हैं श्रीलंका और इंडिया के बीच में, श्रीलंका काफ़ी हद तक डेप्थ में गिर चुका है, यहाँ पर उसको कर्जा हो चुका है, फिर भी यहाँ पर जो एक फिशिंग का फिशरमैन का जो एक इशू है वो लगातार आप लोगों को देखने को मिल सकता है, ठीक है। श्रीलंकन नेवी डिटेन्स 22 फिशरमैन, फिर से उन्होंने डिटेन कर दिया है। इन टू इंसिडेंट्स द श्रीलंकन नेवी ऑन वेनसडे डिटेन 22 फिशरमैन ऑन नागापट्टिनम एंड कारीकाल फॉर एलिजली फिशिंग इन थेर टेरिटरी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था बॉटम ट्रोलिंग, ठीक है, याद रखो बॉटम ट्रोलिंग, इंटरनेशनल मेरीटाइम बाउंड्री, ठीक है, ये दो तीन चीज़ें आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर से मैं बात करूँ, ये है इंडिया, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये श्रीलंका, ठीक है, तो यहाँ पर जो है इंटरनेशनल मेरीटाइम बाउंड्री है, तो इंटरनेशनल मेरीटाइम बाउंड्री, दूसरा बॉटम ट्रोलिंग, ठीक है, और तीसरा यहाँ पर मैंने एक आइलैंड बताया था, याद है आप लोगों को मैंने एक आइलैंड बताया था, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए विच ऑफ द आइलैंड वॉज देयर, ठीक है, यहाँ पर कौन सा आइलैंड था, ये चीज़ आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में डालनी है। इज इट क्लियर और नॉट, इज इट क्लियर, ओके। सो यहाँ पर एक यही एक इश्यू के दौरान अगर हम कहें कि इंटरनेशनल मेरीटाइम बाउंड्री के क्रॉस करने के बाद यहाँ पर जो फिशरमैन हमारे जाते हैं बॉटम ट्रोलिंग करते हैं, जो कि बॉटम ट्रोलिंग श्रीलंका के अंदर दोस्तों बैन है, ठीक है। सो यहाँ पर बॉटम ट्रोलिंग करने की वजह से इकोलॉजिकल डैमेज भी होता है, उसकी वजह से यहाँ पर बॉटम ट्रोलिंग बैन किया गया है। और सिमिलरली यहाँ पर जो ये पोर्शन है यहाँ पर फिशिंग नहीं हो पा रही क्योंकि यहाँ पर फिशेज कम है हमारे टेरिटरी के अंदर, पर अगर हम लोग श्रीलंकन टेरिटरी में जाते हैं तो बहुत सारी फिशेज हमें मिल सकती है, इसलिए फिशरमैन उधर जाते हैं इंटरनेशनल मेरीटाइम बाउंड्री क्रॉस कर, जो कि सही नहीं भी है। तो यहां पर वार्निंग देने की बजाय, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, यहां पर वार्निंग देने के बजाय यहां पर जो श्रीलंकन नेवी के द्वारा बिहेवियर है वो काफ़ी हद तक क्रूशियल बिहेवियर माना जा सकता है, क्योंकि वो डायरेक्टली वार्निंग देने के बजाय अरेस्ट ही कर लेते हैं, ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। इज इट क्लियर, हाँ, कच्चा थेवु आइलैंड, सही है लूफी जी, यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को एक आइलैंड बताया था, ये है इंडिया, यहाँ पर है श्रीलंका, ये इंटरनेशनल मेरीटाइम बाउंड्री, ये आइलैंड जो इधर है दैट इज कॉल्ड दी कच्चा थेवु आइलैंड, ठीक है, याद रखिएगा, गिफ्टेड बाय द इंदिरा गांधी इन 1974, सिमिलर, सही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये कच्चा थेवु आइलैंड है दोस्तों, ये एक्चुअली क्या है कि 1974 के दौरान इंदिरा गांधी की जब सरकार थी तो यहाँ पर हमारे फॉर्मर प्रधानमंत्री थे वो, और उसी दौरान यहाँ पर ये जो आइलैंड है वो गिफ्ट कर दिया गया था। तो हमारे जो इंडियन फिशरमैन है उन्होंने ये एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा है अपना कि यहाँ जो आइलैंड है हम लोग फिशिंग करने जाते हैं तो थक हार के वहाँ पर हम लोग वेट करते हैं, हम लोग थोड़ा रेस्ट करते हैं, और हमारे जो जाल, जो फिशेज के जाल रहते हैं, ठीक है, फिशेज के जो जाल रहते हैं उसको हम लोग सुखाते हैं, तो वहाँ पर हम लोग जाते हैं। तो कच्चा थेवु आइलैंड एक्चुअली हमारा ही है, तो उसका इंडियन फिशरमैन का ये स्टैंड है, पर सिमिलरली श्रीलंकन नेवी ने ऐसा कहा है कि ये आइलैंड जो है वो अभी हमारे अंडर में है, सो यू कैन नॉट गो एट दिस प्लेस, ठीक है, आप लोग वहाँ पर नहीं रुक सकते, नहीं जा सकते, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैंने पहले ही बता रखी थी, ठीक है। तो ये डिस्प्यूट फिर से निकल कर आया है, अभी देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें निकल कर आती है, इज इट क्लियर, ओके। आगे के आर्टिकल में देखते हैं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, पर यहां पर एक लिखा है रेप एंड मोलेस्टेशन केसेस सर्ज इन द सिटी, ठीक है। तो मुझे दोस्तों ये बताइए, रेप के रिगार्डिंग, ठीक है, रेप के रिगार्डिंग कौन से आर्टिकल्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स रिगार्डिंग द रेप, सॉरी सैंक्शन विच इज इंक्लूडेड इन द आईपीसी, विच इज इंक्लूडिंग दी IPC इंडियन पिनल कोड, ठीक है, रेप के रिगार्डिंग, नॉट द मेरिटल रेप, रेप के रिगार्डिंग कौन कौन से सेंक्शंस है IPC के अंदर, ठीक है, IPC इंडियन पिनल कोड की धारा के अंदर रेप के रिगार्डिंग, ठीक है, तो कौन कौन से सेंक्शंस है ये आप लोगों को मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना है, इज इट क्लियर और नॉट, इज इट क्लियर,
इज इट क्लियर? ओके, नाउ एक यहां पर आर्टिकल काफी हद तक इंपॉर्टेंट है. ओके, यहां पर मुझे ये बताइए, काजीरंगा नेशनल पार्क है वो कि एक आसाम के अंदर है, ठीक है. यहां पर आप देख सकते हैं ये हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर वेलकम टू आसाम कर एक आया है, न्यूज प्रोग्राम शेड्यूल बाय ऑफ ऑनरेबल प्रेसिडेंट इन आसाम 400 द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लचित बरफुकान, ठीक है, गुवाहाटी के अंदर 26 फरवरी को कन्वेक्शन सेरेमनी है, ठीक है. तो यहाँ पर आप लोगों को मुझे ये बताना है कि आसाम के अंदर कौन कौन से नेशनल पार्क है, आसाम के अंदर नेशनल पार्क कौन कौन से है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है. इट इज़ रिगार्डिंग द स्टेटिक जी के ओवर हियर. अब भाई थैंक यू फॉर योर करेक्ट आंसर 375, इज इट क्लियर? ओके, बाकी के लोगों के आंसर अभी तक नहीं आए हैं. आई वॉन्टिंग योर आंसर फ्रॉम योर साइड. ओके, दैट इज नॉट अ वन वे कम्युनिकेशन ओवर हियर एंड दिस सेशन इज ऑलवेज टू वे कम्युनिकेशन, ठीक है. सो यहाँ पर आप मुझे आंसर कर सकते हैं इन द कॉमेंट सेक्शन, क्लियर. सो लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट आर्टिकल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो यू. सबसे पहली चीज़ समझ लीजिए, ये जो आर्टिकल है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट इश्यूज द नोटिस ऑफ द केरला इन इंडोसल्फान केस, ठीक है. इंडोसल्फान का इस एक्चुअली क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ समझ लेते हैं कि ये एक्चुअली है क्या, सुप्रीम कोर्ट ने इसके हिसाब से क्यों नोटिस जारी किया है केरला गवर्नमेंट को, ठीक है. तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर समझ लीजिए कि वॉट इज़ द इंडोसल्फान, ठीक है. तो यहाँ पर जैसे मैं एक बात करूँ कि सपोज़ ये एक लैंड है, यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर के हिसाब से यहाँ पर पेड़ पौधे हम लोगों ने क्रॉप करके रखे हैं, तो बाद में उसका प्रोडक्शन हो रहा है. तो यहाँ पर जो फार्मर है इसके ऊपर पेस्टिसाइड छिड़कते हैं, ठीक है. तो ये जो पेस्टिसाइड्स है, ये सपोज़ ये कोई भी खेती हो, यहाँ पर फ्रूट की खेती हो सकती है, कॉटन की खेती हो सकती है, यहाँ पर कॉटन फार्मिंग होता है, फ्रूट फार्मिंग हो सकता है, सीड फार्मिंग भी हो सकता है. तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर पेस्टिसाइड डाले जाते हैं, विच इज़ कॉल्ड द कीटनाशक दवाइयाँ, ठीक है. कीटनाशक दवाइयाँ याद रखिएगा. तो ये जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं काफ़ी हद तक हैजार्डस है, ठीक है. कैसे हैजार्डियस है उससे पहले देख लेते हैं. इट इज़ अ वाइडली बैंड पेस्टिसाइड्स विद the hazardous effects on human genetic and the endocrine systems, ठीक है. जेनेटिक एज वेल एज द इंडोक्रेन सिस्टम, इसका मतलब क्या है दोस्तों, ठीक है. तो यहाँ पर देखिए, डिलेड रिप्रोडक्टिव डेवलप, आपकी जो सेक्शुअल मेच्योरिटी रहती है उसको काफ़ी हद तक कम कर देता है, ठीक है. दूसरा और यहाँ पर अगर देखा जाए तो वो डायरेक्टली आपके न्यूरोटॉक्सिसिटी को अफेक्ट करता है, यानी कि यहाँ पर ब्रेन के अंदर काफ़ी हद तक अफेक्ट करते हैं ये पेस्टिसाइड्स, ठीक है. तो दूसरी ओर आपकी जो हॉर्मोन्स है, ठीक है, आपके जो हॉर्मोन्स है उसको काफ़ी हद तक अनबैलेंस्ड कर देता है, ठीक है. एंड लॉन्ग रेंज कंटीमेशन ये चीज़ भी होती है. तो बहुत सारे हैजार्डियस इफेक्ट्स है इस तरीके के जो कीटनाशक दवाइयां हैं पेस्टिसाइड्स है उसकी वजह से, ठीक है. तो यहां पर आप लोगों को ये सारी चीजें याद रखनी है. इसकी वजह से यहां पर केरला स्टेट के अंदर इस चीज को बैन कर दिया गया था. इस चीज को क्या कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ द हैजार्डियस इफेक्ट, ठीक है. तो दूसरी ओर अगर दूसरा एक होता है प्रिवेंशन, ठीक है. अगर कोई भी चीज होती है, ठीक है, अगर आपके साथ कोई चीज़ गलत हो रही है तो बाद में, अभी एक बार गलत चीज़ हुई, बाद में दूसरी बार उससे सीख कर दूसरी बार आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड द प्रिवेंशन. ओके, सो यहाँ पर केरला गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि केरला स्टेट के अंदर इस तरीके के पेस्टिसाइड का अभी चलो यूज़ हो गया, तो बाद में यूज़ तो नहीं होना चाहिए, ठीक है. तो जो यूज़ हो गया उसकी रिकवरी कौन कर सकेगा, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई जो भी इस हैजार्डियस इफेक्ट जिसको हुई है इस तरीके के पेस्टिसाइड से, ठीक है, तो यहां पर इस तरीके के पेस्टिसाइड को हम बैन करते हैं, और जिस जिनको भी इस तरीके के पेस्टिसाइड से अगर यहां पर अफेक्ट हुआ है तो करेला गवर्नमेंट जो है उसको 5-5 लाख रुपए प्रोवाइड करेगी, ठीक है. कितने, 5-5 लाख रुपीज प्रोवाइड करेगी. ऐसा किसने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है केरला गवर्नमेंट को, ठीक है. तो यहाँ पर जब भी ये 2011 के अंदर ये सारे के सारे इश्यू हुए थे दोस्तों, तो उसके बाद ये जो इश्यू हुए तो बहुत सारे लोगों को पैसे दिए गए थे, पर बहुत सारे लोग अभी भी बाकी है, ठीक है. तो केरला गवर्नमेंट को फिर से एक नोटिस जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि सुप्रीम कोर्ट इश्यूज नोटिस टू केरला इंडोसल्फान केस, ठीक है. इंडोसल्फान केस के रिगार्डिंग फिर से एक नोटिस जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, यहाँ पर जो आप पैसे देने की बात कर रहे हैं वो अभी भी इनकम्प्लीट है, उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दीजिए, ठीक है. तो केरला के अंदर अगर मैं बात करूँ केरला स्टेट के अंदर की, तो उसके अंदर एक है कासा
गोड, कासारगोड जो एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, कासारगोड डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉर द मिड 70s, ठीक है, केरला विलेजेस यूज्ड अराइवल स्प्रिंग ऑफ द इंडोसल्फान ऑन 4600HA, ठीक है, कैश्यू, कैश्यू यानी कि काजू के अंदर इसको यूज किया जाता था। थैंक यू वन एंड ऑल, मुस्कान जी आपका भी आंसर सही है, लूफी जी, सादिया जी, सेवन नेशनल पार्क इन असम, ओके थैंक यू। ठीक है, तो इस तरीके के जो कॉटन के अंदर यूज किए जाते थे, ठीक है, कॉटन की जब फार्मिंग होती थी, केश फार्मिंग होती थी, केश्यू फार्मिंग होती थी, फ्रूट्स फार्मिंग, टी फार्मिंग, पेडी, टोबैको, इस तरीके की सभी फार्मिंग के अंदर इस तरीके के पेस्टिसाइड्स यूज किए जाते थे, ठीक है, विच इज कॉल्ड द इंडोसल्फान। तो ये काफी हद तक हैजार्डस है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मई 2011 के अंदर यहां पर कहा कि इंडियन इश्यूज टेम्पररी बैन ऑफ प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट एंड एनी काइंड ऑफ द स्टोरेज एंड सेल्स, ठीक है, हम लोग इस तरीके के पेस्टिसाइड्स के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट को भी स्टॉप करते हैं, सेल को भी स्टॉप करते हैं, इन्वेंट्री यानी कि स्टोरेज, ठीक, इन्वेंट्री यानी कि स्टोरेज, ठीक है, उसको भी हम लोग क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। तो ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने कही थी 2011 के अंदर, मई 13th के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें याद रखें। सो केरला एंड कर्नाटक आर द ओनली स्टेट विच डू नॉट यूज द पेस्टिसाइड, ठीक है। तो यहाँ पर पूरे इंडिया के अंदर ऐसी चीज़ें होने के बावजूद, भी अभी भी दो ही स्टेट्स के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें बैन है। ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है, इज इट क्लियर। सो यहाँ पर देखिए ये उसके अफेक्ट है, ठीक है, आई होप ये आप लोग सिर्फ एक पिक्चर के तौर पर देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर उसके इतने हैजार्डियस इफेक्ट है कि यहाँ पर आप बच्चे के सिर के ऊपर भी देख सकते हैं कि उसकी बॉडी देखिए और उसका सिर देखिए, ठीक है, सो दैट इज द अफेक्ट ऑफ द पेस्टिसाइड, ठीक है। तो यहाँ पर एक एज ए टीचर मेरी भी सलाह रहेगी, कुछ भी बाहर से चीज़ें खरीदे तो उसको अच्छी तरीके से धो के इसको अच्छी तरीके से फ्रेश करके ही आप यूज़ करें, ठीक है। सो यू हैव टू क्लीन इट दी एनीथिंग यू हैव टू बाय फ्रॉम दिस मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस तरीके के जो पेस्टिसाइड्स है जो हमारे वेजिटेबल्स के अंदर आते हैं, हमारे फ्रूट्स के अंदर आते हैं, जो आप चाय पत्ती खरीदते हैं, ठीक है, अगर वहाँ पर भी पेस्टिसाइड्स यूज़ हुए रहते हैं, ठीक है, तो उसमें भी आते हैं और खासतौर से वेजिटेबल्स के तौर पर आप लोगों के घर पहुँच सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर याद रखें, इज़ इट क्लियर, ओके। तो यहाँ पर उसके इस तरीके के हैजार्डियस इफेक्ट्स है जो आपके न्यूरो सिस्टम को डायरेक्ट अफेक्ट करता है, इज इट क्लियर, ओके। लेट अस मूव ऑन दीज इंडोसल्फन, ये जो एक इंडोसल्फन है वो क्या है, ऑर्गेनोक्लोरीन एंटी इंसेक्टिसाइड्स है, ठीक है, विच वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द 1950s, ठीक है, कॉमनली नोन एज द बाय द ट्रेड नेम थियोडान, ठीक है, और ये कॉटन से, केश्यू से, फ्रूट से, टी, पेडी, टोबैको से आपके घर पहुंच सकते हैं, एंड फॉर कंट्रोल ऑफ पेस्ट सच एज वाइट फ्लाइज, फेड्स, बेटल्स, वॉर्म्स, इस तरीके की सारी चीज़ें कंट्रोल करती है। और दूसरी ओर यहाँ पर ह्यूमन और एनिमल्स को भी ये अफेक्ट होता है, कैसे, इट्स अ रिजल्ट इन द डिसीज रेंजिंग फ्रॉम द फिजिकल डिफॉर्मिटीज, कैंसर, बर्थ डिसऑर्डर्स, डैमेज टू द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, खास तौर से ये जो सिस्टम है उसको डैमेज कर देता है, ठीक है, इज इट क्लियर। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है, इसलिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन किया है। द सुप्रीम कोर्ट in India has banned the manufacture, sell, use, export of the Indosulfan throughout the country, ठीक है, तो पहले केरला एंड कर्नाटक में था, अभी पूरे कंट्री के अंदर है। ये सारी चीजें आप लोगों को यहां पर याद रखनी है, इज इट क्लियर। सो सिटिंग इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स इन 2015, ठीक है, यहां पर इतने हार्मफुल इफेक्ट्स हुए 2015 के दौरान, तभी उसके रिपोर्ट्स आए थे, और आफ्टर दैट दीज लिस्टेड अंडर द बोथ रोटरड्राम कन्वेंशन ऑन द प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट एंड द स्टॉकहोल्म कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूट्स, ठीक है। तो इस तरीके की सारी जो चीजें हैं आप लोगों को याद रखनी है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप लोगों को पूछा जा सकता है कि कौन से स्टेट में सबसे पहले इसको बैन किया गया था, ठीक है, और ये एक्चुअली डिसीज है क्या, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को पूछी जा सकती है बाय द एग्जामिनर इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है, इज इट क्लियर। लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट वन, यहां पर एक आर्टिकल आया है उसके रिगार्डिंग बात करते हैं, सो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ओके, दैट इज ऑल्सो नॉट इंपॉर्टेंट,
ओके यहाँ पर जो आर्टिकल आया है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बात किया था कि मोदी टॉक्स टू पुतिन कॉल्स फॉर सीज फायर, ठीक है। सो यहाँ पर सारे लोगों ने मिलकर मोदी साहब को किया कहा है कि भाई आप सीज फायर के लिए पुतिन साहब से बात करें। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैजार्डियस है और यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब है उसने अपील की है एंड फॉर एन इमीडिएटली सीज फायर एंड रिटर्न टू डायलॉग इन कन्वर्जेशन विद रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ऑन थर्सडे नाइट। द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ठीक है उसको थोड़ा जूम कर देते हैं, हाँ, द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस PMO सेड इन स्टेटमेंट मिस्टर पुतिन ब्रीफाइड मिस्टर मोदी अबाउट रशियन डिसीजन टू अटैक सेवरल लोकेशन इन यूक्रेन। द PMO सेड एडिंग दैट द सेफ एग्जिट ऑफ इंडियन सिटीजन फ्रॉम दिस कॉन्फ्लिक्ट जोन वॉज इंडियाज हाईएस्ट प्रायोरिटी। ठीक है, तो यहां पर भारत देश जो है, जो हमारा प्यारा सा भारत है, वो काफ़ी हद तक पावरफुल कंट्री माना जाता है, उसकी हमारी यही इमेज है पूरे वर्ल्ड के अंदर। इसलिए सारे यूरोपियन कंट्रीज ने, जैसे कि USA ने, UK ने ऐसा कहा है कि यहाँ पर मोदी साहब को बात करनी है और पुतिन साहब को सीज फायर के लिए कन्विंस करना है। इज इट क्लियर? सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विद द प्रेसिडेंट ऑफ रशियन फेडरेशन व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। और यहाँ पर दूसरी ओर ये भी कहा गया है कि उसके जो एनवॉय है, ठीक है, एनवॉय की प्ली किया है कि प्राइम वी आर द डीपली डिससेटिस्फाइड विद द इंडियन पोजिशन, ऑलरेडी 10 to 15 पीपल वेर किल्ड, वी आर आस्किंग प्लीडिंग फॉर द स्ट्रॉन्ग वॉइस ऑफ इंडिया इन द केस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कैन एड्रेस मिस्टर पुतिन, वी कैन एड्रेस अवर प्रेसिडेंट, दिस इज नॉट द टाइम फॉर प्रोटोकॉल बाउंड स्टेटमेंट्स, योर ऑफिशियल सेड दे आर क्लोजली वॉचिंग द सिचुएशन, दिस मीन्स नथिंग, इंडिया इज द फाउंडर ऑफ नॉन अलाइनमेंट, वी प्लेड फॉर द सपोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इंडिया के सपोर्ट पे हैं, दूसरे कंट्री ने ऐसा कहा है, पर इंडिया को यहाँ पर कुछ स्टैंड लेना चाहिए। अगर स्टैंड नहीं लेता है तो यहाँ पर अल्टीमेटली 10 to 15 सर वॉर हो रही है, हाँ वॉर हो रही है, ठीक है, वॉर हो ही रही है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दूसरे कंट्री ने हमको कहा है कि आप लोगों को एक्सटेंड लेना चाहिए, पर इंडिया ने भी एक्सटेंड लिया है कि जो उन्होंने एक न्यूट्रल स्टैंड के तौर पर यहाँ पर लिया है और यहाँ पर एक सीज फायर की बात कही है। ठीक है, सो यहाँ पर ऑनेस्ट डायलॉग की भी बात कही है नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिटायर्ड हिज लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग कन्विक्शन दैट द डिफरेंसेज बिटवीन द रशिया एंड द NATO ग्रुप कैन ओनली बी resolved थ्रू ऑनेस्ट एंड सिंसियर डायलॉग said द स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, रशिया यूक्रेन के रिगार्डिंग वॉर हो चुकी है और साथ ही साथ आज भी कुछ ना कुछ ऐसे जो पोर्शन है जैसे कि Kyiv है यूक्रेन की कैपिटल, वहाँ पर भी बॉम्बार्डिंग जारी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। दूसरी ओर यहाँ पर हमारे जो जयशंकर साहब है वो भी काफ़ी हद तक मेहनत कर रहे हैं इस सारी की चीज़ों को रोकने के लिए। देखिए, जयशंकर स्पीक्स टू यूरोपियन यूनियन यूके मिनिस्टर, ठीक है, यूके के मिनिस्टर को कहा है और यूरोपियन यूनियन के अंदर कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर रिटर्न फ्रॉम अ विजिट टू यूरोप ऑन थर्सडे मॉर्निंग टू द न्यूज़ ऑफ द रशियन अटैक्स ऑन यूक्रेन, ठीक है, एंड डिप्लोमेटिक फॉल आउट। ही ऑल्सो टूक अ नंबर ऑफ कॉल्स फ्रॉम यूरोपियन लीडर्स pressing the India need for India to change its position, which has thus for not criticized Russian actions and in particularly support UNSC, which is stands for the United Nations Security Council resolution and what expected on Friday. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जयशंकर साहब ने भी यही चीज़ कही है कि इस तरीके की जो चीज़ें हैं उसके हम लोग डिप्लोमेटिक एक बात करेंगे और यहाँ पर बात सारा का सारा सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, फिर भी यहाँ पर सीज फायर की ही बात हो रही है यूनाइटेड नेशंस के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है और यूनाइटेड नेशन के तौर पर यहाँ पर हमारा ये सारा का सारा पॉइंट ऑफ व्यू है। सर, अगर यूक्रेन नाटो को एक्सेप्ट कर लेता है शायद वॉर नहीं होता ना, बट यूक्रेन ने नाटो को एक्सेप्ट किया क्यों नहीं किया? यूक्रेन ने नाटो को एक्सेप्ट नहीं किया, ऐसी चीज़ें नहीं है, यूक्रेन करना भी चाह सकता है पर कुछ रूल्स रेगुलेशंस रहते हैं। इसलिए रशिया अगर पहले से ही चाहता था कि रशिया पहले से ही चाहता था कि जो नाटो का पार्ट है वो यूक्रेन ना बने। अगर नाटो का पार्ट बन चुका यूक्रेन तो यहाँ पर सारे के सारे जो अलाइड कंट्रीज है वो दबाने की कोशिश करेंगे, रशिया को ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे, पर यहाँ पर एक यूक्रेन का एक अलग से स्टैंड था। ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पर नाटो के अंदर उसको इंक्लूड नहीं किया गया, सम काइंड ऑफ द रूल्स रेगुलेशंस। इज इट क्लियर? तो अगर वो नाटो का पार्ट होता तो ये सारी चीजें आज नहीं होती, ऐसा हम मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बाकी की जो फोर्सेस होती वो यूक्रेन के हेल्प के पार्टिकुलर पार्ट में आ सकती थी। ठीक है, ओके, लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट वन।
That is not important. Supreme Court clears decks for release of Gangubai Kathiawadi. Clears de- यहाँ पर एक आर्टिकल है Supreme Court clears decks for release for Gangubai Kathiawadi. तो दोस्तों एक मूवी आ रहा है आलिया भट्ट जी का, ठीक है, गंगूबाई काठियावाड़ी के ऊपर है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर न्यूज़ है, ठीक है. दैट इज़ नॉट मच दैट काइंड ऑफ द मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, दैट इज ऑल्सो नॉट ओके. यहाँ पर जो एक आर्टिकल आया है दोस्तों, that is about the Navy gets 12th P-8I aircraft from Boeing. ठीक है, so यहाँ पर आप फोटोग्राफ देख सकते हैं, नेवी को ये जो एयरक्राफ्ट है वो सौंपा गया है, which is called the aircraft manufacturer Boeing has delivered the 12th P-8I long range maritime patrol aircraft to the Indian Navy. This completes the follow on the close for the four additional P-8I aircraft contracted in 2016. ठीक है, तो ये सारी चीजें है. एंड दी 2021 के दौरान यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स का जो डिपार्टमेंट है उन्होंने इस तरीके के जो 6 एडिशनल P-8I एयरक्राफ्ट है उसको रिलेट किया था, उसके जो कॉम्पिटेंट है उसको भी यहां पर रिलेट कर दिया था. इज इट क्लियर? सो अ डील एस्टिमेटेड टू कॉस्ट अराउंड $2.42 बिलियन ओवर हियर. ठीक है, सो अर्लियरली अगर बात करें तो नवंबर 2019 के अंदर द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इस तरीके के प्रोक्योरमेंट को प्रूव किया था एज अ 6 एयरक्राफ्ट के अंदर. ठीक है, तो यहां पर ये सारी चीजें याद रखनी है. और आज का जो एयरक्राफ्ट है वो 12th एडिशन का एयरक्राफ्ट है. इज इट क्लियर? सादिया जी, यूक्रेन क्योंकि नाटो पार्ट ना हो. हाँ, ये समझ में नहीं आया सादिया जी. यहाँ पर जो मैंने कहा कि यूक्रेन जो है वो उसके जो कुछ रूल्स रेगुलेशंस है क्योंकि उसका एक अलग अलाइड कंट्रीज है. ठीक है, तो यहाँ पर उसको नाटो के अंदर नहीं इंक्लूड किया गया था, पर यहाँ पर रशिया भी यही चाहता था कि उसको नाटो के अंदर इंक्लूड ना किया जाए. अगर नाटो के अंदर उसको इंक्लूड किया जाता तो ये सारी चीज़ें आई होप सो नहीं हो सकती थी. इज इट क्लियर? ओके, तो यहाँ पर ये है कि 6 एयरक्राफ्ट जो है द नंबर वॉज द कट डाउन फ्रॉम 10 to 6 ड्यू टू द बजटरी कंस्ट्रेंट्स एज ऑल्सो द नेवी अंडरटेकिंग फ्लीट रेशनलाइजेशन एंड द डिसाइडिंग टू गो फॉर लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स. ठीक है, यहाँ पर मैं ऐसा भी सोचने पर देख सकता हूँ कि आप लोगों को एक रशिया और यूक्रेन का पूरा एक वीडियो अलोकेट कर दूँ. ठीक है, कि उसकी हिस्ट्री क्या थी और उसके रीज़न क्या है, इन्वेट करने का कारण क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें अगर इफ यू रिक्वायर्ड इट. ठीक है, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर? रशिया और यूक्रेन के रिगार्डिंग पूरी की पूरी एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूं. आई होप सो, अगर आप चाहते हैं तो. इज इट क्लियर? प्लीज रिप्लाई मी फास्ट इन द कमेंट सेक्शन ओवर हियर. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स गाइज. हाँ, ओके, ठीक है, ओके ओके. लूफी जी, सलोनी जी, तजलियात जी, ओके 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 अभी, ठीक है. सो आई विल डेफिनेटली अभी उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे. डन मानसी राणे, ओके थैंक यू. उसके ऊपर डेफिनेटली मैं काम करूंगा और आप लोगों को अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है, पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है, उसका फ्यूचर क्या है, सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के समक्ष रखूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा. ठीक है, डेफिनेटली, ओके. सो दैट इज दैट सॉल्व फॉर दिस काइंड ऑफ द आर्टिकल. लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट वन. आगे के जो आर्टिकल है वो काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट नहीं है. ओके, यहां पर देखिए मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा आप लोगों को. यूक्रेन्स बैकअप टू थंडर ऑफ वॉर. ओके, तो यहां पर आप उसका मैप देख सकते हैं. सबसे पहली चीज मैप देख लीजिए. ओके, सो है ये है दोस्तों यूक्रेन. यूक्रेन की है ये कैपिटल केव. ओके, तो यहाँ पर लुहांस एंड दोनेस्क ये जो है वो पूरा का पूरा अभी सेपरेट हो चुका है अभी. और यहाँ पर जो आप लोगों को ये डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर रशिया ने इन्वेड किया है, यहाँ पर बम्बार्डिंग की है. ठीक है, जितने सारे आप लोगों को ये रेड डॉट्स दिख रहे हैं, यहाँ पर रशिया ने बम्बार्डिंग की है. सो ट्रूप्स लैंडिंग बाई द सी एट द ओडिशा एंड द मैरूपल. ठीक है, तो यहाँ पर उन लोगों का जो पूरा का पूरा लैंड
लैंडिंग हो रहा था, पैराशूट में से सोल्जर्स आ रहे थे, ये सारे के सारे इधर है, ठीक है। एंड क्रीमिया जो है, जो एनेक्स किया गया था 2014 के अंदर, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 2014 से ही ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई है। क्रीमिया एनेक्स किया गया था रशिया के द्वारा, और वहाँ से ही यूक्रेन और रशिया के रिलेशन खराब होने लगे थे। इज इट क्लियर? ओके, सो यहाँ पर यही सारे स्टैंड लिया गया है, और यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि यूएसए के द्वारा कि हम लोग अभी इसको काफ़ी हद तक यहाँ पर, ओके, बाजू में ही आर्टिकल है, प्रेसिडेंट जो बाइडन स्लैम्स रशियन अटैक, ठीक है, उसको क्रिटिसाइज़ किया है जो बाइडन ने कि ये सारी चीज़ें हैं वो ठीक नहीं है, हम लोग बहुत सारे सैंक्शंस लगाएंगे अभी रशिया के ऊपर तो ही रशिया हमारे कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। एज ए न्यूज़ ब्रॉक ऑफ रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन स्पेशल ऑपरेशन इन ईस्ट यूक्रेन, US President Joe Biden and said America and the it allies would respond decisively and entirely. President Putin has chosen a premeditated war that will bring a catastrophic loss of life and human suffering. ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ से सफ़र कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो बाइडन ने ऐसा कहा है कि वी इंक्लूड दी सैंक्शंस ओवर इन दी रशिया, ठीक है, सो वी विल ऑल्सो कोऑर्डिनेट विथ अवर नाटो अलाइज टू एंश्योर अ स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड रिस्पॉन्स दैट डिटेल्स एनी एग्रेशन अगेंस्ट अलायंस, ठीक है, मिस्टर बाइडन से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी याद रखें कि रशिया को अभी बहुत सारी चीज़ें फेस करनी होगी, ठीक है, शायद ट्रेडिंग वाइज, एक्सपोर्ट वाइज, इम्पोर्ट वाइज, इकोनॉमिक सेक्टर, ये सारे के सारे सेक्टर में उसको अभी फेस करना रहेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज ने इसको क्रिटिसाइज किया है उसके एक्शंस को। इज इट क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। आगे के जो आर्टिकल है काफी हद तक इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, ठीक है, सो लेट अस मूव ऑन द क्वेश्चंस। यहां पर मैंने एक आप लोगों को ये फोटो दिखाया है, पर आप लोगों को अच्छी तरीके से पता चले इसलिए फोटो दिखाया है। यहाँ पर याद रखिएगा, इंडियन नेवीज मल्टीलेटरल एक्सरसाइज इज शेड्यूल्ड टू द कॉमर्स फ्रॉम 25th फेब, जो कि आज की डेट है, इन विशाखापट्टनम। व्हाट इज द नेम ऑफ एक्सरसाइज? इस एक्सरसाइज का नाम है दोस्तों, क्या है? मिलन, ठीक है। यहाँ पर याद रखें, मिलन जो है वो यहाँ पर मल्टीलेटरल इंडियन नेवी की एक्सरसाइज होने वाली है। उस रशिया इज सेकंड हाईएस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल। सही बात है, रशिया जो है काफ़ी हद तक एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल का। तो यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को पहले भी बात कही थी कि ऑयल सेक्टर के अंदर भी प्राइस बढ़ेंगे, हमारे जो अभी पेट्रोल डीजल है उसके भी काफ़ी हद तक भाव बढ़ेंगे, उसके काफ़ी हद तक जो प्राइस है काफ़ी हद तक बढ़ सकेंगे, तो यहाँ पर उसके लिए भी हमें भी रेडी रहना पड़ेगा। इज इट क्लियर? सो इंडियाज नेवीज मल्टीलेटरल एक्सरसाइज इज शेड्यूल्ड टू कॉमर्स From 25th Feb 2022 in Visakhapatnam. What is the name of this exercise which is called the Milan? ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर याद रखें। So let us move on our questions. ठीक है, मैं आप लोगों को कुछ questions पूछना चाहूँगा and I want the answers from you guys in the comment section over here. So that is always static GK regarding. ठीक है, याद रखिए भरतनाट्यम कौन से स्टेट का डांस फॉर्म है? ठीक है, भरतनाट्यम। नेक्स्ट वन, कथक कौन से स्टेट का डांस फॉर्म है? थर्ड वन, सत्रिया कौन से स्टेट का डांस फॉर्म है? ठीक है, देयर इज अ थ्री क्वेश्चंस एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज युद्ध अभ्यास किस कंट्री के बीच की एक्सरसाइज है? किस कंट्री के बीच की एक्सरसाइज है युद्ध अभ्यास? ठीक है, एंड फिफ्थ वन, गरुड़ा शक्ति किस कंट्री की बीच की एक्सरसाइज है? ठीक है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चंस। भरतनाट्यम इज फ्रॉम द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ द डांस फॉर्म? यहाँ पर कौन से स्टेट का डांस फॉर्म है? कथक जो है कौन से स्टेट का डांस फॉर्म है? सत्रिया जो है कौन से स्टेट का डांस फॉर्म है? एंड युद्ध अभ्यास किन किन कंट्री के बीच में एक्सरसाइज होती है? और दूसरी ओर गरुड़ शक्ति किन किन कंट्री के बीच में एक्सरसाइज होती है? ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को मुझे बतानी है इन द कॉमेंट सेक्शन। आई एम वेटिंग फॉर यू गाइज। ठीक है, मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूँ आंसर्स का। आप लोग इस तरीके के जो क्वेश्चन है अच्छी कैसे सॉल्व कीजिए, सो इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इज इट क्लियर? थैंक यू सद्या जी, थैंक यू मानसी जी, थैंक यू प्राची जी, सलोनी जी, लुफी जी, श्रद्धा जी, मोइत्रे रोई। ठीक है, मैं सारे लोगों को थैंक यू कहना चाहूंगा कि आप लोग आंसर दे पा रहे हैं एटलीस्ट। इज इट क्लियर?
So that's it for the today's session. Before we complete this session, I want to discuss that if you are preparing for the law entrance, MBA entrance, TIS examination, government bank examination, BBA, hotel management, B.Ed or SSCGL, so don't worry, Manav Education is here. And if you are interested for this kind of the courses, so just fill the form in the Google form which is called, and it is link is available in the description where you can fill the form very easily as per your requirement, and our counseling team will contact you and will definitely guide you. Okay, and if you are the new family member of the Manav Education, so please subscribe our channel in the YouTube, and we have also social media platform, so where you can get the regular updates. If you are looking for the online and live classroom coaching, so just contact on 8828581455. And if you are looking for the classroom coaching at the Mumbai, so we have three centers, Borivali, Vasai and the Dadar, so you can visit our center also, and you can also visit our website which is called the manavaedu.com. okay, so that's it. So I hope aap log achhi tarike se padhai karte honge. And I also want to announce that Manavar Education also launched the one channel which is called the Manavar Government Exam. So please subscribe this channel where you can get the notification regarding the government exams. ठीक है, government exams के regarding आप लोगों को भी notify किया जाएगा. आपके जो करीबी रिश्तेदार है, आपके करीबी कोई भी आपके friend circle है जो they interested to join the government sector in the job. ठीक है, अगर उसको government officer बनना है, ठीक है, तो यहाँ पर सारा का सारा जो detail information है वो बाद में दिया जाएगा. So please इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल को भी शेयर कर सकते हैं. इज इट क्लियर? सो दैट इज द चैनल नेम मैनेवर गवर्नमेंट एग्जाम. ठीक है, तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी रिगार्डिंग द IBPS एग्जामिनेशन, RBI एग्जामिनेशन, LIC's एग्जामिनेशन, SSC, CGL, SSCGL एंड SCHSL, ओके, उसके अंदर भी क्लेरिकल PO, क्लेरिकल CLRK, क्लेरिकल PO एंड SO, स्पेशलिस्ट ऑफिसर. ठीक है, तो सारी की सारी जो नोटिफिकेशंस रहेगी, उसके क्वेश्चंस पेपर रहेंगे, वहां पर सॉल्व किए जाएंगे. ठीक है, तो डे बाय डे, टाइम बाय टाइम वहां पर वर्क होता रहेगा. तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज शेयर दिस चैनल इफ यू रियली वॉन्ट दिस काइंड ऑफ द मटेरियल और दिस काइंड ऑफ द थिंग, एंड इट इज ऑल्सो बेनिफिशियल योर फॉर यू एज वेल एज योर कलीग ऑल्सो. ठीक है, हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट सेक्टर. सो दैट्स इट फॉर द टुडे सेशन, एंड वेल प्रिपेयर फॉर द स्टेट जीके विथ respect to current affairs. Okay, I also identify that ki if you are interested for this kind of the courses, and so I also give the issue based topics. Okay, अगर आप इस तरीके के इश्यू बेस्ड टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, जैसे कि आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जानना मैं चाहूंगा कि यहाँ पर देखिए रशिया और यूक्रेन का अभी इश्यू टॉपिक हो रहा है. ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो एग्रीकल्चर सेक्टर का भी एक इश्यू टॉपिक बन चुका है रशिया और यूक्रेन की वजह से. सिमिलरली शेयर मार्केट की अगर आप लोगों का इश्यू टॉपिक बन सकता है, ठीक है, कि शेयर मार्केट इतना क्यों गिरा, उसके में क्या क्या अफेक्ट हो सकता है, तो कुछ भी अगर देश और दुनिया के अंदर, वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर अगर कुछ भी चेंजेस होता है जो हमें जानने की एक रहना ही चाहिए. ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन हमें रहनी चाहिए. अगर आप लोग ये चाहते हैं, ठीक है, तो यहां पर मुझे आप कमेंट सेक्शन में यहां पर वोट कर सकते हैं कि अगर आप लोग ये सारी चीजें चाहते हैं या नहीं. इफ यू रिक्वायर दिस काइंड ऑफ द थिंग्स, सो आई विल गिव यू. ओके, तो यहां पर हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, तो यहां पर आप यस कर सकते हैं और नो भी कर सकते हैं. मैं आप लोगों का सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा. ठीक है, इज इट क्लियर? आप आंसर नहीं बताओगे क्या अभी पूछेंगे क्वेश्चंस. क्या नाम है आपका? तजलियात जी, ये सारे के जो सारे क्वेश्चंस मैंने पूछे, इसके आंसर्स आप लोगों को कल के सेशंस के अंदर, यानी कि जो नेक्स्ट सेशन आएगा, जो हम लोग 11 AM के अंदर डिस्कस करते हैं. ठीक है, 11 AM के अंदर डिस्कस करते हैं, और संडे, ठीक है, संडे हमारे सारे के सारे जो वीकली करंट अफेयर्स आते हैं, जो वीक में बहुत सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं, वो हम लोग संडे प्रोवाइड करते हैं अराउंड दी 11 के आसपास. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखें, और आज के जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को पूछे उसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे. इज इट क्लियर? ओके, तो आप लोगों का मैं वोटिंग जानना चाहूंगा इस तरीके के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इश्यू बेस्ड आप लोगों को चाहिए या नहीं चाहिए. इफ यू रिक्वायर्ड दिस काइंड ऑफ द थिंग एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर दिस काइंड ऑफ द थिंग, सो प्लीज गिव द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन. वाई? ओके, क्लियर? आप सिर्फ वाई लिखे तो मैं समझ जाऊंगा यू आर रिक्वायर्ड और नॉट. सर, इफ पॉसिबल कैन यू मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन रिवर एंड विथ इट्स ट्रिब्यूटरी? ठीक है, आई विल ट्राई अबाउट दिस काइंड ऑफ द थिंग्स. ठीक है, तो यहाँ पर आप सिर्फ मुझे अभी ये वोट कर दीजिए कि इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर दिस काइंड ऑफ द थिंग्स, वाई और नो. ठीक है, डन? इज इट क्लियर?
ओके सो थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय, वेल प्रिपेयर कीजिए, टेक केयर।